करा मैं यहाँ नमाज पढ़ लेते, हम नमाज पढ़ते हैं, रेस्ट कर लो, नमाज पढ़ लेते ना, नमाज पढ़ते साहब, देखो नहीं नहीं इतना आपको पीसफुल है, नमाज पढ़े दो हमारे, नमाज पढ़े दो, नमाज पढ़े दो, नहीं आपको नमाज पढ़े आप लोग ऐसा हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, अभी हम यहाँ सेग्रेडेड के करीब मेडी सिटी हॉस्पिटल के पास मौजूद है। फिरोज खान साहब के भाई राशिद खान साहब यहाँ पर जो है नमाज अदा करने आए हैं और पुलिस भी यहाँ पर उनको अरेस्टिंग के लिए आ गई है। पुलिस और कमिश्नर पुलिस यहाँ पर आ गई है अरेस्टिंग के लिए। और नमाज पढ़ेंगे, जॉइंट एक्शन कमेटी और फिरोज खान का मैसेज ये था कि मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि आप 7 साल से मस्जिद का मामला पेंडिंग डाले, आप मुसलमानों के सेंटिमेंट का मामला है, आप इमिडिएटली उसको हल करें। आप आलिशान मस्जिद बनाते बोले, उसका हम शुक्र अदा कर दें। तमाम मुसलमानों को एक बात का डाउट है मुख्यमंत्री साहब कि मस्जिद तो आप बनाते बोल रहे, पर जहां पर मस्जिद शहीद हुई वहां पर ही बनाते आप? 7 महीने हो गए और अब 3 महीने पहले बोले कि मैं आके फाउंडेशन स्टोन डालता हूं। हम तमाम मुसलमान आपकी हुकूमत के सामने अर्जी रखे, रिक्वेस्ट रखे कि आप हमारे को नमाज पढ़ने का परमिशन दीजिए, उसे हमारे को आपकी बात पे एतबार भी आ जाएगा और हम तमाम भाइयों में एक सुकून पैदा होगा। हम चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखते, डीजीपी साहब को लिखते, हमारे को परमिशन नहीं मिलता। यहाँ तक हाईकोर्ट में हम जाके रिट डालते और रिट में चीफ जस्टिस साहब बोलते हैं आप काउंटर डालो 4 वीक के अंदर, और आज को 4 महीने होने आ रहे हैं आप काउंटर में डालते हैं। तो इसे हम क्या समझें? हर वक्त जब भी हम सेक्रेटरीट को नमाज पढ़ने जाते बोलते आप पूरी सिटी की पुलिस को तैनात कर देते आप। आज का हाल देखिए, आज हजारों में लोग आए और जो जेएससी और मुश्ताक मलिक साहब का कॉल था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान कामयाब हो गया। सेक्रेटरीट के अंदर तो नहीं घुस सके, मैं सेक्रेटरीट के करीब मुश्ताक मलिक साहब और उनकी पूरी टीम और मेरे छोटे भाई राशिद खान वो नमाज पढ़ने में कामयाब हो चुके हैं। आज भी हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि इमीडिएटली आप आके फाउंडेशन स्टोन डाल दीजिए, मस्जिद आप बनाइए आराम से, पर नमाज पढ़ने का परमिशन दीजिए। और आज जो आप पुलिस डाले, आप देखिए, आप 2-3 डीसीपी, 8-10 एसीपी, 25 सर्कल, 50 एसआई, 1000 कांस्टेबल, वुमेन कांस्टेबल, पूरे लोग सेक्रेटरीएट की हिफाजत करो सिर्फ इस बात के ऊपर कि हम नमाज पढ़ना चाहते। मेहरबानी करके आपकी तानेशाही छोड़ दीजिए, आपकी मनमानी छोड़ दी, आप मस्जिद के मामले पे
आपके कान पे भी जूने चल रही। हम लोग जब भी कॉल दिए बोले कि पीसफुल करिए, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में मत लीजिए, लॉ अबाइडिंग सिटीजन के वैसा काम करिए। और आज भी आप देखिए 5 से 6 हजार लोग आए, मगर एक जने भी गड़बड़ नहीं करी। मगर आप ऐसे करते रहेंगे मुख्यमंत्री साहब तो सबर हमारे हाथ से चले जाएंगे। फिर से एक टाइम आपसे अदबन गुजारिश है, इमीडिएटली मस्जिद के मामले को आप हल कीजिए और तमाम तेलंगाना के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमानों के सुकून के लिए सिर्फ 20 जनों का परमिशन दीजिए। आज तीसरी टाइम मैं नाकामयाब हो गया, मगर कोई फर्क नहीं गिरता, मेरी और मेरी टीम का और हौसला बढ़ रहा और मामला आप और जिद पे ला रहे हैं, जिद पे नहीं आना है। और जल्द से जल्द मस्जिद को वहां पर देखना है, नमाजों को पढ़ना है। और जब तक केसीआर साहब आप मस्जिद नहीं बनाएंगे, हमारा इत्तेजाज बढ़ते जाएगा और मजबूत होते जाएगा। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया, जय हिंद।